दोनों फॉर्मों की ओर से जो आज किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन क्रिटिकल पंजाब की चार जगहों के ऊपर 1 बजे से सड़की नेशनल आवाजाही जाम करेंगे। बडरुखा, संगरूर, डगरू, मोगा, इसी तरह से कपूरथला में फगवाड़ा, सठियाली पुल गुरदासपुर में और रेल स्टेशन बटाला के ऊपर ये कार्यक्रम होंगे हमारे। अभी तक जो फूड सप्लाई मंत्री श्री जोशी जी से जो मीटिंग हुई शेलर मिल मालक की, उसमें बोला था अभी केंद्र की टीमें पंजाब में जाकर और वो सैंपलिंग करेंगे भी कितना धान में से चावल निकलता है। अब जो शेलर मालक उनका कहना है कि 67 किलो नहीं निकलता है, हमें छोड़ दीजिए 2-3 किलो की, ये अभी तक टीमें नहीं आई, क्राइसिस बरकरार है। ये जो 3 कृषि कानून काले लेकर आई थी केंद्र सरकार, उसी को पंजाब हरियाणा में लागू करने की असीधे रूप पर कोशिश की जा रही है। तो हम चाहेंगे तुरंत टीमें आके क्राइसिस को खत्म किया जाए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो स्वयं भाजपा में है, सबका मुख्यमंत्री पंजाब है, वो अगर उनकी स्वयं प्रधानमंत्री जी से भी जान पहचान है, गृह मंत्री जेपी नड्डा जी से भी अच्छी जान पहचान है, अगर उनको पंजाब का को भला लगता है वो केंद्र से बात करें। पंजाब के मुख्यमंत्री आज दिल्ली जा रहे हैं, केजरीवाल जी स्वयं सारी समस्या को हल करवाएं, नहीं तो पूरा पंजाब जाम होगा। हम सभी पंजाब वासियों से ये गुजारिश करेंगे, ये पंजाब की टोटल इकोनॉमी अर्थचारे का सवाल है। अगर किसान खत्म हो गया पंजाब खत्म हो जाएगा, आपको सड़कें रुकेंगी, असुविधा आएगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। इसके बाद ये बड़े मॉल्स लाएंगे, जितनी दुकानदारी वो भी खत्म करेंगे, लघु उद्योग भी खत्म होगा। और आज हम लोग जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जिस तरह से मरीज हैं, एयरपोर्ट के यात्री हैं, जो भी इमरजेंसी सेवाएं होंगी उसको बहाल रखेंगे। और हम चाहेंगे कि पंजाब सरकार भी कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके पंजाब में धान की खरीद शुरू हो सके। पंजाब में आज 26 तारीख हो गई है, 26 दिन से किसान मंडियों में बहुत दिन गुजारा कर रहा है, मंडियों में कोई जगह नहीं है और धान की खरीदी नहीं हो रही है। धन्यवाद।